करने हैं इनके। उसके बाद एक कंटेनर में मैंने ले लिया है पानी, और पानी में डाल दिए हैं अपने अपने टूटी फ्रूटी यानी कि वाटरमेलन के पीसेस, और उसके बाद ढक्कन देके इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। और अच्छी तरह से इनको बॉईल करना है, और बॉईल तब तक करना है जब तक ये क्रिस्टल फॉर्म में ना आ जाए और ये अच्छी तरह से बॉईल ना हो जाए। तो बीच बीच में अगर पानी कम हो जाए तो आप पानी डाल सकते हैं। वैसे मैंने पानी तो बहुत ज़्यादा डाला हुआ था। और बॉईल करने के बाद इनको निकाल देना, इनका पानी से अलग कर देना। उसके बाद एक कंटेनर में चाशनी बना ली मैंने, और उनको तीन कटोरियों में डाल दिया। उसमें कलर डाल दिया है रेड येलो ग्रीन, और उसके बाद मैंने इनमें पार्ट में डाल दिया है अपने वाटरमेलन के पीसेस। अच्छी तरह से उनको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद मैंने इनको छान लिया और सूखने के लिए रख दिया। और इनको ना बहुत ज़्यादा तेज़ धूप में नहीं रखना, नॉर्मल जैसे उसमें रखना है, आप फैन के नीचे भी रख सकते हैं। और ये मेरी फाइनली बनके तैयार होगी है वाटरमेलन की टूटी फ्रूटी। थैंक यू गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब।